यस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी साथ में, मतलब बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा. कुछ लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इसके लिए काम किया या जो इस थॉट को सपोर्ट करते थे या क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी. कई नंबर में डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इस टॉपिक का प्रभाव आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में पड़ता है, स्पेशली जितने भी टेट एग्जाम्स हैं या इसके अलावा आगे आने वाले कुछ कुछ एग्जाम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें, क्योंकि लेयर्स हैं क्वेश्चंस की, तो वो समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे. सभी को हाय, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. तो स्टार्ट करें. बहुत बढ़िया, नोटिफिकेशन पहुँच गया यानी कि. चलिए, मैं एकदम अच्छी हूँ. आई होप आप सभी बेहतर होंगे, एक पॉजिटिव काम कर रहे होंगे. बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसको बहुत ही इजी तरीके से. जो लास्ट पीपीटी वाला सेशन था वो भी बहुत इजी तरीके से था, आज वाला और आसान रहेगा. ये पहले कर चुके हैं हम टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को आसानी से नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका और मेरा यहाँ साथ जुड़ने का. तो स्टार्ट करते हैं. सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एडवांस में. लव फ्रॉम पटना, बहुत बढ़िया रजनीश. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए है क्या, ये नाम से पता लग रहा है, आप पूरी दुनिया में आप सुनते हैं, शोर है आज के टाइम पे भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. इवन इंटरव्यूज में भी, केवीएस वगैरह में एग्जाम, मतलब क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे पुट अप कर दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि आप चाइल्ड सेंटर्ड सोच रखते हैं या नहीं, या बच्चों को मतलब उस तरह से प्रधानता देते हैं या नहीं. नाम से पता लग रहा है आपको, बाल केंद्रित, जहां बच्चे सेंटर में हो और टीचर कहीं पेरिफेरी पे हो या तो मतलब आसपास कहीं हो, लेकिन सेंटर में क्या है, बच्चे हैं. ठीक है, तो प्रधानता किसकी है, बच्चों की है. ठीक, तो आपको सोच भी वैसी रखनी है, अपना करिकुलम भी वैसे ही प्लान करना है. इसके लिए एक वर्ड आप साथ में अभी याद रख सकते हैं, हालांकि हम आगे समझेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक बेहतर चीज है. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हेल्प करते हैं, बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है ना. तो एक तो ये है बात. दूसरा क्या हो सकता है, बच्चे करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करता होगा. तो ये तो कुछ फैक्ट्स हुए, लेकिन अब थोड़ा सा इसको तरीके से समझ लेते हैं कि ये है क्या. बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा, अगर आप टॉपिक डालना चाहें तो डाल सकते हैं. बाकी आज स्लाइड्स को भी ऐड किया है ताकि कई लोगों को नोट्स बनाने होते हैं तो उनको आसानी हो जाएगी थोड़ी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया आनंद राज. देखिए पहले क्या माना जाता था, टीचर सेंटर्ड से, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में, या जिसको कहें हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा या कक्षा जो है आपकी, उसमें क्या माना जाता था, या पहले इनिशियल थॉट क्या था कि जो बच्चा है ये मान लो टीचर है कोई एक बॉक्स के अंदर और दूसरे बॉक्स ये कोई बच्चा है, ये एम्प्टी वेसल है, खाली है ये, है ना, ऐसे लिख लो यहाँ पे कि ये खाली है. ठीक, अब ये जो टीचर है, जो ज्ञान का भंडार है सो कॉल्ड, वो इसके अंदर ये जो खाली बर्तन है या इसके अंदर गलत ज्ञान है उसको सही करेगा या इसके अंदर भरेगा. एक डब्बे से दूसरे डब्बे में पेंट जा रहा है मान लो, अभी पिक्चर देख लेंगे पहली बात. तो एक और चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, एक पिक्चर आप देख पाएंगे अभी अपने सामने, बहुत बढ़िया, पहली क्लास है तो ये पिक्चर आप अपने सामने देख पाएंगे, इसको देखिए फिर हम समझेंगे कि एम्प्टी वेसल कहा किसने था, वो भी क्वेश्चन डीट प्लस में भी पूछा हुआ है और जान लेना चाहिए आपको कि बच्चा क्या है, या तो खाली है या तो बहुत सही ज्ञान से नहीं भरा हुआ. तो जो टीचर है, ये जो येल्लो बर्तन है टीचर वाला, इससे डाला जा रहा है कुछ, जो ज्ञान का भंडार है वो नीचे प्रसारित किया जा रहा है टीचर के डब्बे से स्टूडेंट में या लर्नर में. मतलब बच्चा क्या हुआ, एकदम मीक है, बिल्कुल तुच्छ है, उसको नहीं आता कुछ भी, है ना, उसको तो बाहर से डाला जाएगा सब कुछ, ये बात मानी जाती थी. या फिर कहें तो एम्प्टी वेसल माना जाता था. शिफ्ट कहाँ करना है हमें, एम्प्टी वेसल मतलब खाली बर्तन को कहते हैं हम एम्प्टी वेसल. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी हैं कई. अब ये जो एम्प्टी वेसल है, यहां लिख लीजिएगा, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में होता था, अभी भी होता है बहुत सारी जगह, बट बुक्स में तो हम एटलीस्ट चेंज हो ही रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स ऐसे चलते भी हैं, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर. तो इसकी अगर हम बात करें यहां, तो चाइल्ड एज टेबुला रासा, ये टर्म आप लिख लीजिएगा, चाइल्ड एज टेबुला रासा, ये जो टेबुला रासा या टेबुला ही लिखेंगे, टेबुला लिख लीजिए जो भी मन करे. ठीक है, टेबुला रासा का मतलब है खाली बर्तन है या इस तरह की क्ले, चिकनी मिट्टी है, उसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है उसके अंदर या कुछ भी उसको शेप दी जा सकती है. ठीक है, एम्प्टी वेसल. ये कहा किसने था, ये कहा था जॉन लॉक ने.
17th या 18th सेंचुरी के अराउंड। जॉन लॉक एक व्यक्ति थे, काम किया उन्होंने फिलोसफी वगैरह में, एजुकेशन में। तो जॉन लॉक, ऐसे जॉन तो आप समझते हैं, लॉक हिंदी में ऐसे लिख लेना, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा है कि चिल्ड्रन एज टेबुला रासा, या टेबुला रासा किसने कहा, तो जॉन लॉक ने, इसका मतलब होता है एम्प्टी वेसल्स, खाली या उस तरह की क्ले हैं, उस तरह की मिट्टी हैं जो, जिनको कैसी भी शेप दी जा सकती है, मतलब ब्लैंक स्लेट भी कह सकते हैं टेबुला रासा का मतलब, मतलब ऐसी तख्ती हैं जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ब्लैंक स्लेट वो होती है ना, खाली स्लेट, जैसे बोर्ड है अगर बिल्कुल ब्लैंक, उस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये किसका थॉट है भाई, अगर कोई ये कहे कि क्या बोलते हैं उसको, भरा जा सकता है बच्चे में, या उसको कुछ भी बनाया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, तो ये थॉट हुआ बिहेवियरिज्म का, मतलब व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद। जैसा कि वॉटसन ने कहा भी था कि भाई आप मुझे एक दर्जन बच्चे दे दीजिए, एक दर्जन इन्फेंट्स दे दीजिए, शैशवावस्था के बच्चे, और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, सिपाही, वकील, जो आप चाहें, मतलब खाली हैं वो, तो उनको कुछ भी, कैसे भी कंडीशन करके, कुछ भी ट्रेन करके कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म का थॉट है ये, टेबुला रासा जो एक टर्म है। यहां से तो बफरिंग नहीं है, कोरी स्लेट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकिए जरा, जिनको बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है, एक बार आप कीजिए थोड़ा सा एक काम, के अपना जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, इतना तो आपने लिख भी लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हिंदी में ही लिखी थी, क्यों परेशान हो जाते हो। देखो अगर समझना चाहोगे समझ तो आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश का इशू ऐसा, तो कोई फारसी नहीं बोलती हूं मैं, बट कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा चीजें दोनों में ही बताया जा सके, ठीक। तो एक चीज तो हमने ये समझी, अब हमें शिफ्ट कहां करना है। अगर ये बिल्कुल अच्छा होता फिर तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। शिफ्ट की जरूरत पड़ी हमें क्योंकि कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, बच्चा क्या है, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, तत्पर है सीखने के लिए, और वो अपने आप में एक इनेट एबिलिटी रखता है सीखने की। तो शिफ्ट करने की जरूरत कहां से पड़ी, टीचर सेंटर्ड से, टीचर सेंटर्ड से, मतलब शिक्षक केंद्रित कक्षा से हमें चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ जाने की जरूरत पड़ी, जिसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। ये जो शिफ्ट है इतनी आसानी से तो होगा नहीं। अब यहां पे टीचर सेंटर्ड में क्या माना जा रहा था, भाई ये आप हैं जिनमें जो ज्ञान का भंडार है टीचर, और ये बच्चा है कहीं, ये मान लेते हैं ये खाली है, बिल्कुल लोग लिख देते हैं ऐसे खाली, ठीक, ये बच्चा हुआ, अब इसमें इनको फिल करना है, भरने आए हैं, ठीक। तो ये जो फिलोसफी थी इससे शिफ्ट करना था हमें किधर, जहां पे बच्चे को प्लांट की तरह देखा जाए। अब पता नहीं प्लांट में इतनी सुंदर ड्राइंग नहीं बना पाती हूँ, बट ऐसे अज्यूम कर लेना, पता नहीं क्या झाड़ बना दूंगी, हाँ तो प्लांट मान लेना इसको, ठीक है। तो ये प्लांट है, अब प्लांट में और खाली बर्तन में क्या डिफरेंस है, खाली बर्तन में आप डालते हैं ऊपर से भर देते हैं, प्लांट को आप ऐसा नहीं है कि आपने पानी भरा और एक दिन में 6 फीट हो जाएगा, आप उसको सॉइल देंगे, उसको अच्छी अच्छी नमी वाली जो बेसिकली पूरी मृदा है वो देंगे, उसको कभी जब जरूरत पड़ेगी खाद डालेंगे, कभी आप उसमें पानी डालेंगे जरूरत के अनुसार, है ना। ऐसा नहीं होता कि आप उसको पकड़ के नहीं खींच के बड़ा कर देते, वो अपनी स्पीड से ग्रो होगा, उसमें एबिलिटी है ग्रो होने की, ठीक है। तो प्लांट की तरह, और ऐसा खैर फ्रॉबेल का भी ये मानना था कि मतलब चिल्ड्रन एज प्लांट्स, और उस तरह से कि वो फ्लरिश हो पाए फ्लावर की तरह, है ना, अपनी एक क्षमता के अनुसार, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग क्षमता है, जरूरी नहीं आप सबको सेम डंडे से नहीं हाँक सकते, है ना, डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता चाइल्ड सेंटर्ड में कि सबको एक डंडे से हाँको, इसीलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट है कहां से, टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड में, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं कहां, चाइल्ड सेंटर्ड में, भाई इंडिविजुअल अटेंशन मिले बच्चे को, एटलीस्ट उसकी नीड्स को, उसकी क्षमताओं को पहचाना जाए। विभेदी अनुदेशन कहते हैं इसको हिंदी में, लिख लेना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, विभेदी अनुदेशन। इसमें क्या है, नीड्स का और उनकी एबिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा बच्चों की अलग अलग, ठीक। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें सबको अटेंशन दी जा सके, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, कुछ कुछ चीजों को समझेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आया कहां से, शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब बातें समझेंगे।
यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ तो ये हमने देख लिया, शिफ्ट है एम्प्टी वेसल से पौधे की तरफ। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड में क्या डिफरेंस हो जाएगा? जब आपने पौधा मान लिया तो क्या होगा फिर? आप टीचर सेंटर्ड में होता था, एक एक साइड आपकी इमेज है जहां टीचर बैठा हुआ है, यहां टीचर यहां है, पूरी क्लास कहीं कहीं है ना, ये क्लास बैठी हुई है, यहां से इंस्ट्रक्शन पेले जा रहे हैं, इनको दे दिया इनको दे दिया, पीछे यहां से डंडा या चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है, ठीक है, ये हुआ टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। लेकिन अगर बात करें हम चाइल्ड सेंटर्ड की, तो चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा? दूसरा इमेज आप देख पा रहे होंगे, चाइल्ड सेंटर्ड में ये होगा, चाइल्ड सेंटर्ड में तीन चार बच्चे यहां हैं कहीं, ये कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तीन चार बच्चे यहां हैं कहीं, टीचर कहीं ऐसी जगह पर है मध्यस्थता कर रहा है, कहीं ना कहीं जहीं भी जहां भी जरूरत पड़ रही है वो अवेलेबल है, ठीक है, अप्रोचेबल है, सबके साथ वो एक तरह से हेल्प कर सकता है या अवेलेबल है, फैसिलिटेट कर पाएगा किसको? लर्निंग को। एनसीएफ भी कहता है भाई टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर मतलब आप फैसिलिटेट करेंगे, उपलब्ध रहेंगे, सुविधा देंगे बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर, उनको फ्लरिश होने देंगे, उनको दबाएंगे नहीं, अपना ज्ञान नहीं झाड़ेंगे उन पर, ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जितना आपको आता है उतना ही आए उन्हें भी, ठीक है। तो ये क्या है, हम अभी बात कर रहे थे, हाँ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ये लाइन बहुत काम आएगी, आपके कई नंबर बचाएगी। एनसीएफ 2005 ने कहा है कि भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये कहता है कि भाई टीचर का रोल क्या है, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा दाता है टीचर, ठीक है, डिक्टेटर नहीं है कोई ये, ठीक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा एक चीज है यहां पर, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है इस बात को कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जहां पे पियाजे हैं, ब्रूनर हैं या वाइगोस्की हैं, ठीक है, सृजनात्मकवाद कहते हैं उसको, रचनावाद भी कह सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट कर पाएगा बच्चा, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म की जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है यहां पर बेस्ड है एनसीएफ आपका, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं पहले। आगे बढ़ जाएं, अब लिख लिया होगा अभी तक, धन्यवाद, लिख लो इतने, एनसीएफ वाला क्लास बहुत बहुत अच्छा था, फिर करेंगे पूरा उसको रिवाइज करेंगे अपडेटेड तरीके से, टॉपिक कोई छूटेगा नहीं, ये फुल कोर्स है, इस बार अच्छे से कर लो कंप्लीट, फिर इतने तरीके से रिवाइज बहुत टाइम बाद होगा। नहीं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए बीएड का, या तो अब सेकंड ईयर में होने चाहिए, ऐसा ना हो फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाओगे सीटेट। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो मैं आपको बार बार कराती भी रहूंगी रिपीट, ये एनसीएफ की कहानियां या कुछ कुछ जहां से क्वेश्चन उठता है बहुत बार। 9 बजे से होता है जी सेशन, टाइम टेबल डेली का शेयर हो जाएगा आपको, कुछ दिन तक फिक्स तभी होगा हो पाएगा, डेली डेली का आपको शेयर होगा, 9 बजे 10 बजे तो होता ही है सेशन। यहां आ जाते हैं, अब बाद में क्या क्या माना गया, या हम आज क्या मानते हैं, या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है, कि बच्चे क्या हैं, क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं बच्चे, सृजनात्मक हैं और आंतरिक क्षमता रखते हैं कुछ भी सीखने की, लर्निंग के लिए उनके अंदर इनेट एबिलिटीज हैं, ठीक है, वो चाइल्ड एज साइंटिस्ट या कहें तो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज प्याजे भी कहते हैं, है ना। तो जब ये माना गया तो बच्चों को एक्टिविटीज करने दी गई, वहीं से आती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जहां जिसके पीछे थॉट क्या है, जिसके पीछे थॉट है लर्निंग बाय डूइंग का, लर्निंग बाय डूइंग, यूपी टेट में भी आया था पिछली बार क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग का थॉट था जिसको दिया था जॉन डूई ने, ठीक है, जॉन डूई या जॉन डेवी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखे बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जन्मदाता फादर या इनको जनक कहा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मतलब प्रगतिशील शिक्षा के, जॉन डूई को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सॉरी क्योंकि इन्होंने 1896 में और उसके बाद भी अलग अलग काम हुआ 20th सेंचुरी में भी, शिकागो में लैब स्कूल्स खोले, है ना, जिनको एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया, लैब स्कूल्स शिकागो यूएस में,
तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का उसमें इस्तेमाल होता था, प्रगतिशील शिक्षा का, करके सीखने का जो सिद्धांत था उसका इस्तेमाल होता था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल होता था, बच्चों को समाज की एक्टिविटीज के लिए भी तैयार किया जाता था क्योंकि अल्टीमेटली हम समाज में रहते हैं, या प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता था ये कह सकते हैं, जहां पे बच्चे कोलैबोरेट करके साथ में सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल जो जीवन है, क्योंकि जो डुई थे, जॉन डुई, ये क्या है? प्रैग्मेटिस्ट हैं, ठीक है, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म आई थिंक कहा जाता है इनको, तो प्रैग्मेटिस्ट थे। प्रैग्मेटिस्ट क्या है? प्रैग्मेटिस्ट थे। प्रैग्मेटिज्म क्या है? मतलब प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद मतलब ऐसे प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप समझ पाए लाइफ के, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिस्ट थे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जॉन डुई, ठीक, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहा जाता है इन्हें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। लर्निंग बाय डूइंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इन चीजों को महत्व मिला और समाज के लिए सोशल सेटिंग में तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है वो कोई एक बॉक्स में बंद हो जाएगा, समाज में रहेगा, कुछ बेहतर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। अब कुछ चीजें हैं जो एक तरह से फीचर्स हैं, आप लिख सकते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा के की विशेषताएं एक तरह से, या फोकस कहां करती है बाल केंद्रित शिक्षा, इसको और बड़ा कर लेते हैं, आप आराम से नोट कर सकते हैं, हिंदी वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर रही हूं। पहला पॉइंट है फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, जैसा कि हमने अभी बात किया, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैग्मेटिज्म है इसका जो आधार है, प्रयोजनवाद, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चा तैयार हो, तो जो करंट प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस है ना वर्तमान के, उन पर फोकस किया जाता है, उन अनुभवों पर, ठीक। बच्चों को एजुकेशन के सेंटर में रखा जाता है, ऐसा नहीं है बच्चे पेरिफेरी पे हैं, बाहर बाउंड्री पे हैं और टीचर सेंटर में बैठे हुए हैं। बच्चों के अनुसार एक्टिविटीज प्लान होंगी, उनकी इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों की स्किल को हार्नेस करने की, बेहतर बनाने की। बच्चा जो है उसको, उसकी चॉइस को सपोर्ट किया जाता है। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, भाई बच्चे की क्या, अपने आप में एक अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंशियलिस्ट मतलब उसको छोड़ते, खैर वो अलग फिलोसोफी है। तो यहां पे बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसका एक अस्तित्व है, वो एक इंडिविजुअल है अपने आप में, इसलिए डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखा जाता है ताकि इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके या बेहतर प्लान हो सके एजुकेशन। अब आ जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव स्कूल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील स्कूल की क्या विशेषताएं होंगी, जो स्कूल प्रगतिशील होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका रूट, जो जड़ है, वो वर्तमान का अनुभव है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस। सुनते रहो हिंदी वाले, हिंदी में ही बता रही हूं, इसको समझ लोगे तो भी चल जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, करके सीखना, या मतलब जिसमें आप इन्वॉल्व हो बॉडी से भी, दिमाग से भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, मतलब आप समस्या समाधान की तरफ भी जाएं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स का विशेष ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट एक एक नंबर में है। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, बच्चे मिलकर के सीखें, कोलैब करके समूहों में सीखें, है ना, सोशल स्किल्स का उनके अंदर डेवलपमेंट हो, अगर साथ में रहेंगे तो वैसे भी सामाजिक चीजें सीखेंगे ही। टेक्स्ट बुक को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी गई, एक्टिविटीज को ज्यादा। तो ये बात थी प्रोग्रेसिव स्कूल्स की। अब यहां पे एक और चीज आप सबसे पहले ध्यान में रखें, फिर बाद में पढ़ेंगे कुछ कुछ। मारिया मोंटेसरी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मोंटेसरी बेसिकली इन्होंने फिलोसोफर थी, एजुकेशनिस्ट थी, बहुत सारा काम किया एजुकेशन में। इन्होंने कहा है कि भाई द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड, मतलब मुख्य शिक्षक है हाथ, कैसे कि बच्चा करके सीखे, इसका भी मतलब यही हुआ इनडायरेक्टली। इन्होंने कहा कि आप बेसिकली जो बच्चे का दिमाग है उसको किससे इन्होंने कंपेयर किया, स्पॉन्ज से, ऐसे बर्तन साफ करते होंगे आप में से कई लोग, इसको हटाई देती हूं, ऐसे बर्तन साफ करते होंगे आप में से कई लोग, नहीं करते होंगे तो पता ही होगा, वो स्पॉन्ज होता है, आई थिंक टीवी में भी ऐड आता है बहुत बार, तो उसको ऐसे प्रेस किया जाता है तो उसमें से ऐसे जो भी फॉर्म है, जो भी है, वो निकलेगा उसमें से, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जो भी सोक कर लेता है अगर मैं कहूँ तो। उस तरह से बच्चे के दिमाग को इन्होंने कंपेयर किया एक स्पॉन्ज से,
है ना, जिससे आप, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग गाड़ी साफ करते हैं, बहुत सारे यूज हैं इसके, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। इसी तरह से बच्चे का दिमाग क्या है या बच्चा क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है अपने एनवायरमेंट की चीजों को, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इन्होंने बच्चे की हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी, जो हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड, ये लाइन आप याद रखेंगे, है ना। मुख्य एक तरह से शिक्षक है जो हाथ है बच्चे का, क्योंकि वो करके सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। झाग निकलता है बिल्कुल। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जॉन डुई की हमने बात की, उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे शिकागो में, और पहला स्कूल था उनका 1894 वाला, जिसमें कुछ 12 बच्चे थे, एक टीचर थी। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस क्लासेस लगेंगी भाई। ये था इतना ही। अब दो लोगों को और जान लेते हैं। हमने डुई को जान लिया, मॉन्टेसरी को जान लिया, रूसो की बात कर लेते हैं। रूसो के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं आता। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी 1762 की एक नॉवल थी जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए, एमाइल करके। राजस्थान वगैरह के एग्जाम्स में पूछ लेता है, या कोई भी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेता है। एमाइल इसका नाम था, इसको एमाइल ही कहेंगे, हिंदी में भी नाम है, ठीक है। तो ये जो एमाइल थी, इसमें बेसिकली इन्होंने अटैक किया कि बच्चा जो है वो ईविल नहीं है, मतलब ईविल नहीं है क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है जैसे पहले माना जाता था, उस आइडिया को अटैक किया उन्होंने, ठीक है। वो सीख सकता है और उसके उसको उसके विकास या उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जाना चाहिए। तो ये रूसो, आपने नाम सुना ही होगा, ग्रीक दार्शनिक थे एक, यूनानी, 1762 का नॉवल एमाइल, EMILE, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल नाम ले लिया अनुराधा आपका। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा आराम से, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चल लूंगी। अब रूसो की बात कर ली हमने, आ जाते हैं फ्रेडरिक फ्रॉबेल पर। ये लोग थे जो सपोर्ट कहीं ना कहीं, या जिनका एक थॉट था एजुकेशन को लेकर के, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, वही प्लेवे मेथड वाले मेथड्स में आपने सुना होगा इनका नाम, किंडरगार्टन एक इनका मेथड था। किंडरगार्टन स्कूल्स खोले गए थे, कहां से शुरुआत हुई थी, जर्मनी से, ठीक है। मतलब क्या है इसका, किंडर का मतलब बच्चा या बच्चों का गार्डन, ठीक है, जहां बच्चों को कंपेयर किया गया या माना गया पौधों से लगभग, ठीक। तो ये जर्मनी में खुले थे स्कूल्स किंडरगार्टन फ्रॉबेल के द्वारा। प्लेवे, इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखें नेचर के साथ, ठीक है। बिल्कुल, हाँ एमाइल बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी बेसिकली वही बात कही कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके या खेल के माध्यम से बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। तो इतना ही याद रखेंगे, बाकी इनकी पूरी स्टोरी है ये किंडरगार्टन की, कि इनकी कैसे गार्डन में ज्यादा समय व्यतीत किया करते थे, इनकी मदर की हो गई थी डेथ, फादर बिजी रहते थे, तो इनका जो सारा बहुत सारा टाइम था या जो एक डिवोटेड टाइम था वो गार्डन की तरफ था, मतलब इन्होंने नेचर को काफी ऑब्जर्व किया ये कह सकते हैं। चैनल का नंबर रहता है बंद ज्यादातर, अभी तो नहीं हो पाएगा डिस्कशन। वीनू शाक्या जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना समय व्यर्थ ना करें, अगर आपको सेशन पसंद ना आ रहा हो तो, बाकी आपको अटेंशन मिल गई होगी तो आप खुश हैं। नाम ले लिया आपका शालिनी जी। एमाइल रूसो की ही बुक थी, एक मिनट रुको, ऐसे कैसे दुखी हो जाते हो, ये कौन कंफ्यूज करता है, एरिस्टोटल की तो नहीं थी ऑब्वियसली। जीन जैकस रूसो की थी भाई, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना। तो ये थी एक बात, आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं इसकी, तो आप अपनी शिक्षा में बच्चों को मौका, कक्षा में मौका दे सकते हैं,
बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए उनको फ्लरिश होने दीजिए, और एक फैसिलिटेटर का रोल आप निभाएं, ना कि सत्तावादिता दिखाएं उनके ऊपर। अथॉरिटेटिव नहीं बनना है, डेमोक्रेटिक बनना है, ठीक है? सबको कहने सुनने का अधिकार हो अपनी बात। ऐप करेगी जल्दी, रन करेगी, है ना? बच्चों का बगीचा, बगीचा बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद अर्पिता, अच्छी लगी आपको क्लास तो। थैंक यू मैम फॉर अनकंडीशनल हेल्प। धन्यवाद हिना, पूरी कोशिश रहती है बाकी। नेक्स्ट सेशन है 10 बजे, और 10 बजने में है अभी आधा घंटा। मेल चेक कर लूँगी मैं, जशान अहमद। ब्लॉक करो फालतू लोगों को, कोई बात नहीं, खेल लेना तो इन्हें भी, कर लेंगे ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्यूशन अगर एक आध सेशन ले रहे हो एक आध घंटे का, अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग करते हैं, जॉब के साथ भी करते हैं, है ना? अगर मजबूरी है तो फिर तो कोई बात नहीं है, और मज़े के लिए भी बढ़ा रहे हो एक घंटे, तब भी कोई बात नहीं है, हो सकता है मैनेज। बट ऐसा ना हो आप सुबह से शाम तक उसी में लगे पड़े हैं, बहुत एनर्जी जाती है। एक सेशन ले लो ना, एक घंटा पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर चौक के लिए पढ़ा रहे हो तो। नहीं, एमआईएल बुक का नाम है, EMILE, जिसको रूसो ने लिखा था। कर देंगे जी ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। आशमा, दोनों के लिए, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए। 10 बजे CDP के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, वो मंडे टू सैटरडे अलग अलग टॉपिक चलेंगे उसमें 10 बजे वाले सेशन में। आज CDP करेंगे, कल इंग्लिश पैडागॉजी कर लेंगे, परसों मैथ्स कर लेंगे, फिर EVS कर लेंगे, है ना? वो कॉमन भी रहेगा, ज्यादातर आपको हेल्प ही करेगा। एक दो क्वेश्चन UPTET में भी आ जाते हैं पैडागॉजी के, तो वो एक दो क्वेश्चन के लिए देखना चाहो देख लेना, ठीक है? ग्रेट जॉब, धन्यवाद। प्लेवे को दिया था फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। नेम के ऊपर कभी बात आ जाती है तो हेनरी कोल्डवेल कुक को दे दिया जाता है क्रेडिट, बट अगर आपको ऑप्शन में फ्रॉबेल है तो फिर आप फ्रॉबेल ही लगाएं, ठीक है? अगर फ्रॉबेल नहीं है तब आप हेनरी कोल्डवेल कुक लगा सकते हैं। धन्यवाद प्रिया, थैंक यू, दी लव यू लिखा है आपने, चलिए बहुत बढ़िया। इट्स माय फर्स्ट क्लास, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग अस। धन्यवाद विदुषी धीमन। चलिए, हिंदी मीडियम में आएगी जल्दी बुक, हिंदी की बुक आ जाएगी नेक्स्ट मंथ सितंबर एंड तक होपफुली। नया एडिशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडिशन नया 1 से 2 दिन में मिल जाएगा दिल्ली में। मैं मान रही हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है बुक की, काफ़ी दिन से नहीं मिल पा रही है, प्रिंट के अंदर एक आज आ गई होगी तो मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीखने का जिनका मन होता हो। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक ना किया हो। टेक केयर, गुड नाइट, लाइक ज़रूर करके जाना, 10 बजे मिलते हैं।